नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके घर के इस बर्तन में है पूर्वजों का खजाना, जो कि दोस्तों आपकी किस्मत का धन है। भगवान ने इन्हें आपके लिए संभाल कर रखा है, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इन्हें प्राप्त करने के लिए आपको कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना होगा और कुछ विशेष सावधानियां अपने जुनकाल पर अपनानी होंगी। ये दोस्तों तभी जाकर या पूर्वजों का खजाना आपके हाथ लग सकती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अगर अंत तक देखेंगे तो दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि यह खजाना आपके घर के किस कोने में है, किस जगह पर है और कौन से बर्तन में है। इन्हें आप कैसे निकाल सकते हैं, कौन सा काम, कौन सा उपाय आपको यश में करना चाहिए ताकि दोस्तों यह खजाना आपको दिख जाए। दोस्तों, तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में ग्रहों के गोचर पर आधारित शास्त्रीय ज्योतिष शास्त्रों के सलाह के अनुसार हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपने पिछले कई समयों से इस प्रकार की वीडियो देख रहे हैं कि यहाँ पर खजाना, वहाँ पर खजाना, लेकिन दोस्तों हम दावे के साथ बता सकते हैं कि आपने अभी तक कोई भी खजाना प्राप्त नहीं किए होंगे। दोस्तों, अगर यह बात सच है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि खजाना यानी कि पूर्वजों का रखा हुआ धन, हमारे दादा के जो दादा थे, हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग थे जो वर्षों पहले इस दुनिया से निकल बसे हैं, दोस्तों उनका ही धन यश में हमारे पास रहता है, हमारे आसपास रहता है। और ज्योतिष शास्त्रों का कहना है कि जिसके भी जीवनकाल में शिव धन रहते हैं दोस्तों, उनके किस्मत का धन वह होते हैं। भगवान किसी न किसी रूप में उन्हें वह धन देते हैं, बशर्ते उन्हें पहचानने की आवश्यकता होती है, उन्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अगर आप उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों यकीनन भगवान आपको वह धन अवश्य देता है। तो दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में यह धन मिलने की प्रबल संभावनाएं बन रही है। तो दोस्तों, यश में कोई भी गलती ना करें और इन मंत्रों का जाप करें, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। उससे पहले दोस्तों, जो भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, धन की देवी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त होगा और यह किस्मत का धन आप सभी को प्राप्त होगा। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पूर्वजों का रखा हुआ धन अगर आपको पाना है, अगर आप पाना चाहते हैं, तो दोस्तों कुछ विशेष बातों का आपको अपने जीवनकाल में ध्यान रखना होगा। अगर आप यह गलती पिछले समय किए हैं तो दोस्तों उनमें आपको सुधार करना होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले समय में यदि आपने लालच में आकर कहीं पर धन ऐसे खर्च कर दिए हैं, व्यर्थ के धन खर्च कर दिए हैं, तो दोस्तों आज ही आप इन कार्यों को रोक दें। कि दोस्तों, माता लक्ष्मी उनके घर कभी दिखाई नहीं देती जो धन को व्यर्थ में व्यय करते हैं। जी दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती है कि जितना तुम मुझे संभाल कर रखोगे मैं उतना तुम्हारे पास रहूंगी, अगर तुम हमें यूं ही बेवजह खर्च करते रहोगे तो तुम्हारे घर में माँ लक्ष्मी का होना जायज बात नहीं है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवनकाल में अगर फिजूल खर्ची कर रहे हैं तो दोस्तों आज इन पर रोक लगाएं और यह धन प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो दोस्तों गांठ बांधने इन बातों को। इसके बाद दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आपके जीवनकाल में ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको लगातार कहता है कि चलो आज यह कार्य करते हैं जिनमें इतना रकम खर्चा होगा, जिसमें इतना पैसा लगेगा, तो दोस्तों आज ही ऐसे लोगों से आपको रिश्ता तोड़ना होगा। कि दोस्तों, ऐसे जो लोग हैं हमेशा धन की खर्च के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए ऐसे लोग आपके जीवनकाल में यकीनन अंदर से आपके अच्छे नहीं होंगे। बाहर से तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अंदर से वह अच्छे नहीं होंगे। कि दोस्तों, अगर कहीं पर धन व्यय करना हो तो दोस्तों आप सभी को बता दें, माँ लक्ष्मी आपके मन में ऐसा बात कहेंगी, ऐसा विचार लाएंगी कि आप खुद उनके प्रति आकर्षित होंगे, यह चीज आपको लेना है, यह कार्यों में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, अपने आप उस जगह पर आप जाएंगे। तो दोस्तों, कभी भी दूसरे के बातों में आकर आप पैसों को खर्च ना करें, दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें। तो आइए दोस्तों, अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो दोस्तों इसके उपरांत आपको अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने घर परिवार में आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। जी दोस्तों, अगर आप बाहरी बातों को ध्यान में रखते हैं तो दोस्तों घर में भी आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों, अपने से बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों का
आपको हमेशा बात माननी चाहिए, हमेशा उनकी सलाह लेना चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग भगवान के समान होते हैं, पूर्वज हमारे भगवान के समान होते हैं। इसलिए तो दोस्तों लोग जो होता है पितृ दोष में पूजा प्रार्थना करते हैं ताकि पितरों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। जी दोस्तों, तो आपको भी अपने जीवन काल में आपके जो भी घर में बड़े आदमी हैं उनकी सम्मान करें, आदर करें। दोस्तों इनसे आपके किस्मत की जो चमक है वो बहुत ही अच्छी होगी और धन मिलने में आपको बहुत ही ज्यादा सहायता करेंगी। माँ लक्ष्मी भी इनसे प्रसन्न होती है। जी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। तो घर में अगर आप सभी के आदर सम्मान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जी दोस्तों ऐसी जगह प्रदान करते हैं जिनमें भगवान से जुड़े कार्य हो, मंदिरों में गुरुद्वारों में अगर आप दान करते हैं तो दोस्तों इनमें भी आपको बहुत ही ज्यादा भाग्य जो है आपका चमक जाएगा और धन पाने की जो संभावनाएं है आपके जीवन काल में वह प्रबल होंगी। तो दोस्तों इन बातों को अपने घर में आप यूज करें। इसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दें कि बाहरी अवस्था में अगले 3 दिनों के अंदर आप इन बातों का ध्यान रखें। जितना हो सके दोस्तों खुद को 3 दिनों के अंदर आप शांत रखें और आप सभी को बता दें कि दोस्तों 3 दिनों के अंदर कभी भी आपको मोटा रकम खर्चा नहीं करना है। जहां पर दोस्तों पैसों के ज्यादा जरूरी है वहीं पर पैसे खर्च करना है। गाड़ी भी आपको नहीं लेनी है, ना ही मकान लेना है। इस प्रकार के कार्य आने वाले 3 दिनों में आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, क्योंकि दोस्तों आने वाले 3 दिनों के अंदर यह खजाना आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों 3 दिनों के अंदर जो बड़े खर्चे हैं उन्हें आप रोक दें। दोस्तों अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि माँ लक्ष्मी स्वयं आपको संकेत देंगी कि आपको यह धन कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों माँ लक्ष्मी के संकेतों को आप कैसे समझेंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर अगर कोई महिला आपको 1 भी रुपया दे दे या फिर धन से जुड़े कोई भी कार्य कर दे जिनमें आपको लाभ हो जाए, तो दोस्तों सीधी सी बात है कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको आ चुका है और आपको एक किस्मत का धन मिलना तय हो जाएगा। इसके उपरांत दोस्तों अगला जो संकेत है वह संकेत है रात को सोते समय। दोस्तों रात को सोते समय अगर आपको नींद ना आ रही हो तो दोस्तों यह भी एक संकेत होता है धन प्राप्ति का। जी दोस्तों अगर सुबह सुबह 3 से 5 बजे के बीच अगर आपकी नींद टूट जाए तो दोस्तों यह भी संकेत होता है धन प्राप्ति का, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद का। जी दोस्तों अगर आपके जीवन काल में अगर आने वाले 3 दिनों के अंदर ऐसी घटनाएं होती है तो दोस्तों आपको कौन से कार्य करने हैं ताकि यह धन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जीवन काल में धन प्राप्त करने के बहुत सारे उपाय हैं। दोस्तों उनमें से एक खास मंत्र हम आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों यह खास मंत्रों का आपको जाप करना है जिस दिन अगर आपको यह संकेत दिख जाए उसी दिन। जी दोस्तों अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो दोस्तों निश्चित ही आपको यह खजाना दिख जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर यह संकेत आपको मिल जाते हैं तो दोस्तों उसी रात्रि को आपको करना क्या है, दीपक आपको जलाना है। और दोस्तों दीपक जब भी आप जलाएं तो दीपक को प्रणाम करते हुए आप इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों इससे आपका कल्याण होगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, धन की जो आवक है वह बढ़ेगी और आपके घर में जो पूर्वजों का खजाना है वो आपको दिख जाएंगे और दोस्तों शत्रुओं का भी इनसे विनाश होता है। तो दोस्तों इस मंत्र का आपको यश में जाप करना है। वह मंत्र इस प्रकार है, शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपान ज्योति नमस्तुते। दोस्तों इस मंत्र का आपको वही समय जाप करना है जब आपको संकेत प्राप्त हो जाए। ये दोस्तों इस मंत्र को जाप करते ही आपको उसी रात को यह खजाना मिल जाएगा। ये दोस्तों आपके ही घर में किसी जगह यह खजाना आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जब यह खजाना आपको मिल जाए तो दोस्तों आपको एक और विशेष बात का ध्यान रखना है जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। खजाने को प्राप्त करने के बाद जब भी आप भोजन करने बैठे तो माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके उसका धन्यवाद अवश्य करें। मैं आपका दिव्य प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ, मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं अपनी कमाई खा पाऊं, पाप की कमाई घर में न लाऊं, उसमें बेगुनाहों का खून ना हो, किसी बच्चों का हक ना हो, मेरी कमाई पवित्र हो जिनमें मैं पवित्र अन्न को दिव्य प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकूं। दोस्तों इनसे माँ लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी और यह धन आपके पास रहेगा और जीवन काल में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।